हाय गाइस दिस इज़ विनीत हियर वेलकम टू माय चैनल सो आप टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ सो येस मैंने इस 2022-23 में जितने एग्ज़ाम्स दिए ऑलमोस्ट मैंने सब के प्रियम्स क्लियर किए जितना मुझे याद है आठ नौ प्रिलियम्स तो मैंने क्लियर किया है मैं आपको सबका बताऊँगा मुझे कितना नंबर आया क्या कट ऑफ था मेरा रेंज क्या था ये सब बताऊँगा सोर्सेज बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको अगर आप बिगनर हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने कितने एग्जाम्स निकाले हैं सो बेसिकली मैं जो स्ट्रैटी आपको बताऊंगा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बहुत लोग ने बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया है कमेंट्स पढ़े हैं मैंने और बाकी मैसेजेस भी मैंने रीड किए हैं बात भी किए हैं काफ़ी लोगों से बहुत लोगों का स्ट्रैटेजी में बहुत प्रॉब्लम है आप क्या कर रहे हो प्री का क्लियर नहीं हो रहा है बहुत लोग का बहुत सालों से किसी का किस किसी किसी का मेंस क्लियर नहीं हुआ है पहले लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है प्री में मैं ही आपको बताता हूँ मुझे ये सवाल आते हैं कि मुझे सिक्सटी सेवेंटी परसेंट हाइल प्री में आ रहे और मैं मेंस का भी कर रहा हूँ फिर बहुत लोगों का कहता है प्री का चार पाँच नंबर से छूट रहा है और मैं तो पूछता हूँ मैं क्या कर रहे हो आप तो बोलते हैं जी भी पढ़ रहे हैं साथ में तो यार सिक्सटी सेवेंटी परसेंट टाइल आ रहा है आपको आपका प्री नहीं निकलेगा इतने में आपको पता होना चाहिए ये मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ तो आपको जी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा नंबर मेन्स में लोगों का जी में ऐसे भी नंबर नहीं आते हैं तो आप जी क्यों पढ़ रहे हो आपको जी नहीं पढ़ना है जब तक आपका हंड्रेड परसेंट आपको श्योरिटी ना हो कि आपका प्री निकल जाएगा आपके मॉक्स में नाइन्टी परसेंट टाइल के ऊपर आने चाहिए कंसिस्टेंटली प्रिलियम्स के लिए इतना करो कि प्री आपका क्लियर हो जाए प्री के लिए आपको पढ़ना ना पड़े तो पहले प्री का मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे करना है एक बार मैं आपको मेरे मार्क्स बता देता हूँ तो देखिए ये एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे और मेरा सब प्री क्लियर हुआ है तो आप देख सकते हैं मेरा नंबर क्या था और कट ऑफ से कितना रेंज आप देख सकते हैं आई वी पी एस पी ओ आर आर बी पी ओ ओ ओ एस बी आई पी ओ एस बी आई जे नबार्ड डी एस आई सी ओ डी सी एस एस सी सी जी एल भी दिया था मैंने ऐसे सी का मैंने आपको बताया मेरे वीडियो में ला जो मैंने लाया था अपलोड किया था कि मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था मैंने जो बैंकिंग के लिए किया बेसिकली मैंने उतने से ही एग्ज़ाम दिया फिर भी मेरा क्लियर हुआ तो अगर वैकेंसी कम भी रहता तो कट ऑफ वन थर्टीज़ के आसपास रहते तो भी क्लियर हो जाता बट वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ अलग नहीं करना है क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ ये जो तीन चीज़ मैंने इंग्लिश के लिए लिखा है ये आपको हर दिन करना है प्रैक्टिस ये तो मैं जब स्टार्ट किया था मैंने तो आप ध्यान से सुनना सब मैंने इंग्लिश से स्टार्ट किया था तो मेरे को इंग्लिश में शुरू में कम आता था नंबर दस नंबर बारह नंबर ऐसे नंबर आते थे मेरा रीडिंग ठीक था बैकग्राउंड मतलब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग किया है तो मेरे पढ़ने में ठीक था इंग्लिश में रीडिंग मेरा ठीक था तो मुझे नंबर लेकिन कम आ रहे थे क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर डिटेक्शन ये सब काफ़ी रॉन्ग हो रहे थे तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया मैं एवरी डे इंग्लिश प्रैक्टिस करता था जब तक मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ मैं बेसिकली एवरी डे मैं आपको दूसरे वीडियो में एक बता दूंगा मेरा डेली रूटीन क्या था मैं कैसे क्या करता था बट इतना मैं आपको बता देता हूँ मैं इंग्लिश एल और मैथ्स तीनों हर दिन प्रैक्टिस करता था जो मेरा सब्जेक्ट वीक था वो उसको मैं ज़्यादा टाइम देता था तो अगर मैं बारह घंटा पढ़ता था तो उसमें इंग्लिश को समझिए शुरू में मैं तीन चार घंटे देता था मैथ्स को अलग देता था एल को अलग देता था तो इसमें आर सीज एवरी डे प्रैक्टिस करता था मैं एवरीडे मिनिमम दो आर सी ठीक है मैं आपको दिखा भी चुका हूँ वीडियोज़ में कि आप कहाँ से आर सीज दे सकते हो तो ये आर सीज़ प्रैक्टिस करता था अब इसमें आर सीज़ में वो कैब भी मिलते थे एडिटोरियल्स अगर आप देखोगे तो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है आप चेक कर लेना वो आप एवरीडे देखा करो उसमें वो कैब आपका कवर होगा उसमें आपको फ्रेजेज इडियम्स ये सब के बारे में पता चलेंगे और एक रीडिंग हैबिट भी आएगी आपको या तो आप रीडिंग आरसी से करो आरसी का आप पढ़ लिया करो और फिर आरसी प्रैक्टिस किया करो बट आपको ये करना पड़ेगा एवरीडे वो कैब क्यों बोल रहा हूँ मैं आप वो कैप पर इंग्लिश बहुत लोगों का इसके लिए वीक है क्योंकि आप वो कैब पर फोकस नहीं कर रहे बार बार आप यही बोलते हैं कि आपसे याद नहीं हो रहा आपको कैसे पता है गुड का मतलब अच्छा होता है बैड का मतलब ख़राब होता है बॉय का मतलब लड़का होता है गर्ल का मतलब लड़की होती है ये आपको इसलिए पता है क्योंकि आप ये बहुत बार कर चुके हो आप बचपन से सुनते आ रहे हो तो अगर आप वो कैब भी ऐसे ही एवरीडे पढ़ोगे रिवाइज़ करोगे आप रात को सोने जाते हो तभी रिवाइज़ कर लिया करो बीस वर्ड पढ़ो दिन के बस बहुत ईजी है उसमें से बीस में से पाँच छः तो आपको आते भी होंगे तो आप उसको रिवाइज भी क्या करो रिवाइज नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे मुझे भी बहुत करना पड़ा ऐसा नहीं है कि मुझे अभी भी सब याद है अब मैंने प्रैक्टिस इतना कर लिया कि सेंटेंस का मीनिंग से मैं समझ जाता हूँ वो क्या अब ये हो सकता है बट ऐसा नहीं है कि मेरा गलत नहीं होता मेरा गलत भी होता है कभी कभी बट वही है एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा हो गया इतना प्रैक्टिस करके तो आप वो कैब क्यों बोल रहा हूँ मैं फोकस करने इस पर आपको फोकस क्यों करना है वो कैब पे क्योंकि फिलर्स क्लोज सिनोनियम एंटोनियम्स ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी वो कैब रिलेटेड होते हैं वर्ड स्वैप ये वर्ड स्वैप कैसे आपको आएगा सही सही कैसे होगा ये तभी सही होगा जब आपको वो कैब अच्छे से आता होगा तो ये ये सब प्रैक्टिस सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये सब भी आप वो कैब अच्छा कर लोगे तो आप काफ़ी अच्छा कर लोगे एग्जाम में तो इस पर फोकस फुल फोकस डालो वो कैब पर तो आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो वो कैब सोर्सेज ऐसे मैं लिंक में दूंगा बट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ आप एडिटोरियल से पढ़ सकते हो जो सुबह हर दिन क्लासेज वाले डालते हैं फिर आप विशाल सर के आते हैं एडिटोरियल्स वो पढ़ सकते हो आप हर्षिता मैम सभा मैम ऑले बोर्ड पर उनके आते हैं आप किसी का भी पढ़ो वो है फिर निमिशा मैम का वो कैब मैगजीन आता है वीकली और मंथली आप वो पढ़ सकते हो उनके टेलीग्राम चैनल से लेके बट पढ़ना पड़ेगा कोई शॉर्टकट नहीं है इसके लिए फिर एरर डिटेक्शन क्यों बोला है मैंने बहुत लोग ग्रामर के लिए ना एक सौ वन ट्वेंटी रूल्स वाले बुक पढ़ते हैं फिर याद नहीं होता बहुत टाइम चले जाता है अगर आप पढ़ पढ़ पा रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड आपको याद हो गया आपके नंबर अच्छा लगेंगे तो इट इज एक्सीलेंट अगर नहीं हो पा रहा तो मैंने क्या किया था मैंने एरर डिटेक्शन के एवरी डे में एक एक वीडियो लगाता था मिनिमम कम से कम दस से बीस बीस क्वेश्चन फिर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट लगाता था एरर डिटेक्शन के खासकर तो आप एरर डिटेक्शन बहुत अच्छे से करो एरर डिटेक्शन क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ऑल ग्रामर रूल्स विल बी कवर्ड थ्रू इट तो मैंने ग्रामर अलग से नहीं किया मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं हो पा रहा था ग्रामर तो मैंने जितने भी ग्रामर है एरर डिटेक्शन के थ्रू ही किया वन ऑफ द के बाद क्या आएगा प्लूरल आएगा तो ये सब सब मुझे एरर डिटेक्शन से काफ़ी कुछ पता चला मेरे गलतियों से सीखा मैंने कि हाँ ये होता है ये ऐसा होता है प्लूरल में हैव आएगा सिंगुलर में हैज़ आएगा सब्जेक्ट वॉब अग्रीमेंट क्या होता है सब का सब एरर डिटेक्शन से मैंने सीख लिया तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो अगर आपको ग्रामर से मुश्किल पड़ती है ग्रामर का पूरा रूल्स पढ़ने में जो कि मुझे काफ़ी मुश्किल हो रहा था नहीं याद हो रहा था बार बार ऐसा लग रहा था तभी हो गया बट बर... वही चीज़ आप एक हफ्ते बाद देखो तो लग रहा था यार नहीं याद ही नहीं है तो वैसा हो रहा था इसके लिए मैंने क्या किया मैं एरर डिटेक्शन पूरा प्रैक्टिस करने लगा और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ किया है और आप देखोगे तो मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट क्वेश्चन यही तीनों पे होता है तो आपको इस पे फोकस अच्छे से करना है ये एवरी डे प्रैक्टिस करना है मैंने जो भी लिखा है ये एवरीडे प्रैक्टिस करना है अगर आपका इंग्लिश वीक है तो अच्छा हो गया तो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ये दो से चार आर प्रैक्टिस करो ठीक है आप टेस्ट दे दो अगर आप बिगनर हो तो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करो ठीक है अगर बिगनर हो तो टेक्स्ट बुक अदरवाइज आप गाइडली का बंडल पी ले लो वरना गाइडली का जो फ्री प्रैक्टिस क्विज का है वो मैंने दे के भी दिखाया है आप देख सकते हो वीडियो में जाके मेरे स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट में भी कि आरसी कैसे करना है और वो कहाँ से आप कर सकते हो प्रैक्टिस क्विज में जाके सब बताया है मैंने बाकी आप को अगर इंग्लिश का पैटर्न एग्जाम पैटर्न और ये सब देखना है कि इंग्लिश में कैसे टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आते हैं तो आप मेरे इंग्लिश के स्ट्रैटेजी वीडियो में चले जाना ये भी मैंने लेके आया है आप सबके लिए तो मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा ठीक है तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है जब आपका इतना हो जाए तो आप पैरा जंबल्स प्रैक्टिस करो ठीक है पैरा जंबल क्योंकि जब आता है तो पांच क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं और मेंस में भी आता है बहुत बार तो इस ये सब आपका अगर अच्छा हो गया तो आप पैराजंबल भी कर लोगे पैराजंबल आपको क्योंकि समझ में आने लगेगा कि क्या लॉजिक हो रहा है देखो गलत होना है तो गलत तो होगा कभी ना कभी ऐसे कभी कभी हो ही जाता है तो वो ठीक है वो कोई बात नहीं बट हमेशा नहीं होना चाहिए ये हमें देखना है कभी कभार सबसे होती है गलती तो पैराजंबल आप उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हो बट ये तीनों आपको एवरी डे करना है ठीक है वो कैब से फिलर्स क्लोज इनोनियम एंटोनियम्स वर्ड स्वैप ये सब इंप्रूव हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है वो कैबुलरी इंग्लिश में तो इतना आप कीजिए आपका कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए और आर में मैंने दो स्ट्रेटेजी वीडियोस लेके आए आप वो देखना आर में आपको प्री के लिए पूरा पढ़ने का पैसे जरूरत नहीं है ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ आप कीवर्ड्स देखो क्वेश्चन और ऑप्शन के वो मिलाओ आंसर मार्क कर दो सीधा मैंने आपको दिखाया भी है करके वो चीज़ आप देखना वीडियो में जाके और वैसे ही प्रैक्टिस करने का ट्राई करना मेंस में भी सब में ज़रूरत नहीं होगा पूरा पढ़ने का पूरा पढ़ने का तब ज़रूरत होता है जब मीनिंग पूछा है ऑथर क्या सोचता है ये पूछा है पैसेज का टाइटल पूछा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा ठीक है अदरवाइज़ आपको पूरा आरसी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है वो चाहे छोटा आरसी हो या लंबा आरसी हो सो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो इंग्लिश के लिए क्या कैसे आपको एवरीडे क्या करना है ठीक है तो मैं ये एवरी डे करता था जब तक मेरा इम्प्रूव नहीं हो गया मेरे को थर्टी में मुझे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के ऊपर नहीं आने लगा ठीक है अब तो मुझे फुल भी आते हैं लेकिन तभी मुझे नहीं आता था मुझे पीस के नीचे आता था बहुत गलत होता था डिटेक्शन ये सब तो इम्प्रूव किया मैंने एनालिसिस अच्छे से, से करना आप जब भी आप सेक्शनल और ये सब दोगे जब आपका इतना हो जाएगा उसके बाद आप सेक्शनल्स पे जाना स्ट्रेट अवे सेक्शनल्स लगाना स्टार्ट कर देना इंग्लिश का ये सब आप वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है सेक्शनल्स और फिर बाद में आपका जब तीनों हो जाए तो मॉक्स अब रीजनिंग की बात करूँ मैं तो मैंने ये पहले क्यों लिखा है ये सब ये स्पीड वाले है ठीक है ये आपको तुरंत के तुरंत मार्क्स फेच कर सकते हैं रीजनिंग में तो रीजनिंग मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सेलॉग से स्टार्ट किया फिर इनिक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग में या चाइनीज वाला जो होता है वो भी आता है ईजी होता है ये सब आपने देख चुका देख चुके होंगे आप ये सब ऑलरेडी अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो ब्लड रिलेशन डायरेक्शन सेंस सेल्फा न्यूमरिक पेयर्स वाले जो आते हैं तो ये मैंने पहले किया अगर आपने अभी स्टार्ट किया है आपको रीजनिंग में स्पीड नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आप एवरी डे लग एवरी डे लगाओ कम से कम दस क्वेश्चन तो सबके प्रैक्टिस करो आपको वीडियोज मिल जाएंगे बेसिक वाले काफ़ी और मैं लिंक डाल दूँगा इसके भी ये आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाया करो इसका ठीक है आपका जब पूरा हो जाता है तो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाया करो ये होने के बाद फिर जो इंपॉर्टेंट आता है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है रीजनिंग में अगर 35 क्वेश्चन प्री में आते हैं रीजनिंग में तो सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल से कम से कम बीस टू पच्चीस क्वेश्चन रहते हैं ठीक है ये सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल से ही होंगे और ये इज़ी भी आते हैं ऐसा नहीं है कि सब हार्ड आता है और ज़रूरी नहीं होता कि आपको पैंतीस में पैंतीस स्कोर करना है क्योंकि कट ऑफ सौ में सौ नहीं होता है ठीक है तो आप सीटिंग अरेंजमेंट पज़ल्स भी एवरी डे प्रैक्टिस कीजिए ये कितना प्रैक्टिस करना है ये डिपेंड करता है आप किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आपको फ्लोर वाले में प्रॉब्लम हो रहा है आपको मंथ वाले में प्रॉब्लम हो रहा है आपको इनसाइड आउटसाइड वाले में प्रॉब्लम हो रहा है सर्कुलर अरेंजमेंट में इनसाइड आउटसाइड होता है स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड होता है आपको किस में प्रॉब्लम हो रहा है वो जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसको ज़्यादा लगाने तो मेरा क्या हुआ जब मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो गया तो मैं फिर इंग्लिश तब भी मैं एवरीडे कर रहा था बट कम कर रहा था वीडियो या सेक्शनल देख के छोड़ दे रहा था क्योंकि तो मेरा इंप्रूव हो चुका था तो मैं ज़्यादा टाइम रीजनिंग को देने लगा फिर ठीक है तो मैं रीजनिंग को ज़्यादा टाइम देने लगा तो मैं पज़ल्स काफ़ी सॉल्व करता था तो मेरा ये चीज़ जब हो गया सिलॉग्स और ये सब तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स मैं काफ़ी सॉल्व करने लगा वीडियो से फिर टेस्ट देने लगा और रीजनिंग में ना आप यूट्यूब वीडियोज़ पर जो मॉक्स वाले रहते हैं यूट्यूब वीडियोज़ पर आपको मॉक्स वाले मिल जाएंगे उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो तो मॉक्स में कवर कर लेते हैं पूरा ही रीजनिंग सिलॉग्स ये सब भी और पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट भी कर देते हैं इसके भी मैं लिंक डाल दूंगा तो ओवरऑल प्रैक्टिस इससे काफ़ी अच्छा हो जाता था फिर जिसके पास गाइडली है वो गाइडली से कर सकता है मेरे पास तभी गाइडली नहीं था तो मैं स्टार्ट तो मैंने टेक्स्ट बुक से किया था फिर टेक्स्ट बुक से मैं बाईजूस पे गया और ये काफ़ी चीपर ऑप्शन है मैं मॉक टेस्ट के वीडियो में बता चुका हूँ आपको आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप इधर से स्टार्ट कर सकते हो इसके बाद मैं ऑलिव बोर्ड पर गया एंड गाइडली का बंडल लिया मैंने तब तक लेकिन मेरा बेसिक्स क्लियर हो चुका था नंबर आने लगे थे बीस पर बीस के ऊपर उसके बाद फिर ऑलिव गाइडली गाइडली से करने के बाद मेरे ज़्यादा बढ़ गए नंबर सेक्शनल देने लगा मैं सेक्शनल मैंने सेक्शनल मैंने एक भी सेक्शनल नहीं छोड़ा था टेक्स्ट बुक में जितने सेक्शनल थे जितने भी पी ओ क्लर्क सब एग्ज़ाम्स के मैंने सेक्शनल एल आर मैथ्स इंग्लिश के सब दे दिए थे एक भी नहीं छोड़ा था उससे काफ़ी सीखने मिला उसी से मेरा स्पीड इंक्रीज हो गया तो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज हो गया तो जो स्पीड के बारे में आप पूछते हो आपका स्पीड ऐसे इंक्रीज हो, होगा जब आप पूरा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा सेक्शनल लगाना है खत्म करना है जितने भी सेक्शनल से। है कितने सेक्शनल देने चाहिए दिन में ऐसा नहीं कि आपका आपने आज कुछ सीखा तो आप पाँच सेक्शनल दे दो बर्बाद हो जाएंगे सेक्शनल्स भी क्योंकि अभी आप सीखे हो तो आप एक या दो सेक्शनल दिन का लगा सकते हो एक सुबह एक शाम ऐसा कर सकते हो आप क्योंकि क्या होता है आपने कुछ नया नहीं सीखा आप उतने ही नॉलेज से बार बार सेक्शनल दे रहे हो तो नंबर ऊपर नीचे थोड़े होंगे बहुत ऐसा ड्रेस्टिक चेंज नहीं आएगा और सेक्शनल्स भी ख़त्म होते जाएंगे अभी तो काफ़ी कंटेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आप दिन में एक से दो दिया करो कुछ नया सीखो कुछ समझो क्या गलती से समझ गए आप सीख गए उसके बाद आप और लगाया करो ठीक है तो रीजनिंग के भी मैंने अगर आपको देखना है कि क्या एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है क्या पैटर्न होता है क्या क्वेश्चन है तो इसका भी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो ले लेके आ चुका हूँ मैं आप वो देख सकते हो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि बेसिकली कैसा पैटर्न होता है और क्या ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है तो आप ऐसे प्रैक्टिस करो ये चीज़ भी जो है ये एवरी डे लगाओ आप एवरी डे अच्छे से लेके बैठो दस क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के पाँच चार पाँच सेट्स मिनिमम प्रैक्टिस करो प्री लेवल के ठीक है अगर आप प्री लेवल का प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेंस का तो मैं आपको बता चुका हूँ दूसरे स्ट्रैटेजी वीडियोस में तो आप प्री लेवल का अच्छे से प्रैक्टिस करो सेट्स लगाओ वीडियोज से प्रैक्टिस करो उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ सेक्शनल करो सेक्शनल एक भी बचने ना पाए टेस्ट बुक है तो टेस्ट बुक का ख़त्म करो बाईजूस है तो बाइजूस का खत्म करो लेकिन ख़त्म करना है अगर आप ऐसे करोगे तो एक महीना एक महीने में पूरा आपका हो सकता है प्री का अगर आप एवरीडे कर रहे हो तो तीस दिन बहुत होता है ठीक है सीखने के बाद बोल रहा हूँ अगर आपने सीखा नहीं है तो पहले तो सीखने पर ही प्रायरिटी देना चाहिए टेस्ट पे नहीं कॉन्सेप्ट सीखना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सो इसके बाद क्या हुआ मेरा एल आर इंग्लिश हो गया जब तो मैं कॉन्ट्स में मिल, मुझे अरिथमेटिक में बहुत दिक्कत हो रहा था मैं पंद्रह बीस नंबर मैक्स अट्ठारह बीस तो बहुत ऐसे रेयरली जा रहा था ऊपर मैथ्स में मेरा थर्टी फाइव में बट पंद्रह सोलह के आसपास बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं रह गया मतलब पंद्रह और सोलह नंबर इसी के आसपास काफ़ी टाइम तक मैं रहा अरिथमेटिक के कारण क्योंकि अरिथमेटिक में या तो बहुत टाइम लग जा रहा था या तो मेरा स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रहा था कभी कभी डी में अटक जा रहा था तो पहला प्रायरिटी आपको देना है स्पीड मैट्स को क्यों बिकॉज इसका भी मैं स्ट्रैटेजी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कौन सा मैं लिंक डाल दूंगा आप उधर से देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के आते हैं मतलब सब दस से पंद्रह क्वेश्चन दस क्वेश्चन पीओ में क्लर्क में पंद्रह क्वेश्चन क्लर्क में तो मेंस में भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से सीखना स्पीड के साथ स्पीड मैथ्स में क्या क्या आता है सिम्प्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन नंबर सीरीज़ ये सब आते हैं तो ये आप अच्छे से सीखो टाइम दो इसको कॉन्सेप्ट सीखो वीडियो से प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ ठीक है ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आप चेकलिस्ट से सॉल्व कर सकते हो मैं सॉल्व शुरू में काफ़ी करता था चेकलिस्ट से देख के बीस क्वेश्चन आता है कौन सा चेकलिस्ट आशीष सरोरा सर के स्टडीफाइड चैनल पे आता है तो उस पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था पन बीस क्वेश्चन रहते हैं हर्ट पे तो मैं दस दस क्वेश्चन लगाता था क्योंकि बीस करने में बहुत टाइम लगता था तो मैं दस दस क्वेश्चन ही लगाता था बट एवरी डे करता था तो इसमें कॉन्फिडेंस मेरा नंबर सीरीज में बहुत टाइम लग गया था वो भी रॉन्ग टर्म में बट मैं प्रैक्टिस करते करते वो भी अच्छा हो गया तो आप वो करो पहले अरिथमेटिक स्टार्ट करने से और डी स्टार्ट करने से पहले आप ये दोनों टॉपिक रेशियो एंड परसेंटेज ये एकदम अच्छे से सीख लो ये दोनों टॉपिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अरेथमेटिक में भी रेशियो परसेंटेज का यूज़ होता है शॉर्ट मेथड में सॉल्व करने के लिए डी में भी केसलेट्स में भी रेशियो परसेंटेज का ही यूज़ होता है डी में आप परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस देन ये सब टर्म्स देखे होंगे आपने नहीं देखे हैं तो आप देखेंगे तो उसमें भी परसेंटेज और पूरा रेशियो का ही खेल होता है बाकी कुछ भी अलग नहीं होता डी में टैबुलर टा, डी रहे या पाइचाट रहे या जो भी हो अरिथमेटिक डी आई अलग होता है बट अदरवाइज डी आई में रेशियो परसेंटेज यूज़ होता ही है और अरिथमेटिक वाले प्री में नहीं आते तो आपको टेंशन नहीं लेना है उसका तो आप एवरी डे डी आई भी मिनिमम दो से चार सेट वो भी अलग अलग लगाएँ ठीक है रडार आपको नहीं पता आप रडार वाले लगाओ ठीक है सर पाईचाट वाले टेबल वाले मिसिंग डेटा वाले आपको सब मिल जाएंगे आपके पास गाइड लिया तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आपको ये सब सब इजीली मिल जाएगा अदरवाइज आप प्रैक्टिस को इसमें भी ढूंढ सकते हो ये वाले गाइडली में यूट्यूब वीडियोस तो है ही मैं लिंक डाल दूंगा जिससे मैंने किए थे वो सब लिंक्स आपको मिल जाएंगे तो कॉन्ट्स का बेसिकली इंप्रूव कैसे हुआ मेरा स्पीड मैथ्स इंप्रूव किया मैंने कि मैंने ऐसा सोचा कि मुझे दस नंबर तो ये पूरा ही चाहिए कैसे भी तो ये इम्प्रूव करने के बाद रेशियो परसेंटेज दिक्कत क्या हुआ मैंने रेशियो परसेंटेज से इतना अच्छे से नहीं किया था बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको भी यही दिक्कत हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ रेशियो परसेंटेज अच्छे से कर लो और फिर डी आई जाना डी आई फिर आपका काफ़ी अच्छे से हो जाएगा बनने लगेंगे स्पीड आ जाएगा ठीक है उसके बाद आप अरिथमेटिक के सब टॉपिक्स करो सब टॉपिक्स से पंद्रह बीस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बेसिक सीखने के बाद तो आप अरिथमेटिक अगर एक एक दिन भी लेके बैठोगे तो आपका विद इन सेवन टू टेन डेज पूरा अरिथमेटिक कवर हो जाएगा बेसिक सीख के और पंद्रह बीस क्वेश्चन करके ठीक है बाकी तो और प्रैक्टिस करना ही है बट बेसिक आपका कवर हो जाएगा जब ओवरऑल आप कॉन्स का प्रैक्टिस फिर आप मॉक से लगा सकते हो मॉक मतलब जो मॉक टेस्ट वीडियोस यूट्यूब पे देते हैं टीचर्स वो वो मैं डाल दूंगा लिंक आप उससे कर सकते हो उसके बाद आप ओवरऑल जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा टॉपिक वाइज टेस्ट ये सब देख के तो आप सेक्शनल्स लगाना सेक्शनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यही स्पीड इंक्रीज करेगा आपका एक सेक्शनल भी बचना नहीं चाहिए सब सेक्शनल देना है स्पीड इंक्रीज होगा आपका इससे उसके बाद ओवरऑल तीनों हो गया तो फिर आपको मॉक्स लगाने हैं मेरा प्री का जब पूरा हो गया था तो मैं मेंस का ही करने लगा था एग्जाम के दो या तीन वीक्स पहले दो या तीन वीक्स पहले ही मैं फिर वापस प्री के मॉक्स लगाता था या सेक्शनल लगाता था मेरा स्पीड कम होता था तो क्योंकि बहुत टाइम प्रैक्टिस नहीं करो तो बहुत नॉर्मल है कि स्पीड कम हो जाता है थोड़ा बट एग्जाम तो निकल ही जाएगा उतना प्रैक्टिस हो चुका था तो मैं दो तीन हफ्ता दो हफ्ता पहले एग्जाम के वापस से प्री के मॉक्स देने लगता था बट पढ़ाई पूरा मेन्स का करता था फिर तो आपको भी ऐसे ही कुछ करना चाहिए प्री का पहले इतना स्ट्रॉन्ग करो कि प्री का करना ना पड़े कोई भी एग्ज़ाम के लिए बैंकिंग से रिलेटेड जहाँ भी सिलेबस है इनफैक्ट एस का भी आपने देखा बैंकिंग से रिलेटेड पूरा नहीं है बट फिर भी वो एग्ज़ाम निकल सकता है तो आई होप इससे आपको समझ में आया होगा आपको कैसे प्रैक्टिस करना है बाकी तो आपको मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया एक वीडियो मैंने मॉक टेस्ट का लाया है कि आपको क्या क्या देना है तो आप अगर बिगनर हो तो आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट करो ये दोनों ये काफ़ी चीपर ऑप्शन है आपको चीप में मिल जाएगा ये महंगा नहीं है इतना टेक्स्ट बुक और बाइजूज मैं स्मार्ट कीड़ा और प्रैक्टिस मॉक रेकमेंड नहीं करता बिल्कुल क्योंकि मैंने खुद ही यूज़ नहीं किया मैंने खुद जब यूज़ किया था तो मुझे काफ़ी अबव द एग्ज़ाम लेवल लगा था वो यूज़फुल नहीं लग रहा था इंग्लिश बहुत हार्ड था लेवल वैसा था कि एग्जाम और मैंने इतने एग्जाम्स दिए मैंने अभी तक वैसे लेवल नहीं देखा एक्चुअली कि इतना भी हार्ड आ रहा है तो आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा अगर आप बिगनर हो तो तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूंगा आप थोड़ा आप दे चुके हो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ गया तब आप स्मार्ट किड और पी लो नो प्रॉब्लम बट शुरू में प्लीज़ मत लेना आप काफ़ी स्ट्रगल करोगे वरना और डीमोटिवेशन जहाँ आया तो आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा ये मैं हंड्रेड परसेंट लिख के दे रहा हूँ आपको तो आप ये करने के बाद गाइडली बंडल से कर सकते हो गाइडली बंडल में अनलिमिटेड क्वेश्चन है आप जितना करना चाहो तो उतना कर पाओगे ठीक है गाइडली पे और फिर ऑलि बोर्ड तो मैंने ले लिया था क्योंकि इनका काफ़ी क्लोज टू एग्ज़ाम लेवल था मेन्स के लिए और प्री के लिए भी एग्जाम लेवल से क्लोज ही है इनका काफ़ी अच्छा है ऑलि बोर्ड थोड़ा वही है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है सेवन हंड्रेड टू थाउजेंड के रेंज में आता है बट अच्छा है काफ़ी तो आप बाकी स्टार्ट टेक्स्ट बुक से कर सकते हो कॉन्फिडेंट हो जाओ टेक्स्ट बुक से मैं भी कॉन्फिडेंस जो मेरा पार्ट है वो टेक्स्ट बुक से ही आया काफ़ी दिए टेक्स्ट बुक पर ये अच्छा है कि हर चीज़ अवेलेबल है हर एग्ज़ाम का अवेलेबल होता है कुछ अलग से नहीं लेना पड़ता तो वो चीज़ है और चीप है और बाईजूस का भी सेम है कि वो भी काफ़ी चीपर है तो आप बाईजूस का भी दे सकते हो थोड़ा इंग्लिश का लेवल ऊपर होता है बाईजूस पे बट इट इज़ फाइन तो फिर ये सब आप मॉक टेस्ट का अलग से वीडियो भी दिया है उसमें मैंने अच्छे से पूरा बताया वो भी आप देख सकते हो कितने मॉक टेस्ट दें ये भी मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं प्री के लिए तो ये डिपेंड करता है आपको आपके सेटिस्फैक्शन पे जैसे एस बी आई प्री के पहले मुझे सेटिसफैक्शन नहीं आ रहा था तो मैंने एक दिन में चार मॉक भी दिया है ऐसा नहीं कि लगातार दे रहा था बट मैंने दिया है क्योंकि मुझे वो सेटिसफैक्शन नहीं आ रहा था मुझे नंबर जितना चाहिए था मुझे लग रहा था नहीं आ रहा कम आया तो मैं और देने लगा बट वो आपको देखना है आपको लगता है कि आपका ऑलरेडी कैलेबर और ये लेवल बढ़ चुका है तो आप दो से तीन मॉक टेस्ट दे सकते हो दिन में ठीक है जब हो चुका है तो अदरवाइज एक मॉक टेस्ट एक ही मॉक टेस्ट काफ़ी है ईच डे ठीक है अगर आपका हो चुका है पूरा तो नहीं हुआ है तो आप दो 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 दिन पे एक मॉक टेस्ट लगाओ ऐसा करो अगर आपका हो चुका है तो एक मॉक टेस्ट पूरा लगा सकते हो आप एवरी डे आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है कि आपको लग रहा है मैं और अच्छा कर सकता था तो आप एक दिन में दो लगा दो बट ऐसे मैं हर दिन चार नहीं लगाता था कभी फ्री के पहले लगाया था मैंने बट ऐसे में एक दो मैक्सिमम इतना ही लगाता था दो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही लगाता था क्योंकि पूरा हो चुका था अदरवाइज एक ही लगाता था एक दो या दो तीन दिन में क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस पे प्रायरिटी दिया पूरा प्रैक्टिस जब तक मेरा नहीं हुआ सेक्शनल ये सब नहीं हुआ तब तक बहुत मॉक नहीं दे रहा था मैं क्योंकि मॉक में कम आता था नंबर सो आई होप इससे आपको हेल्प मिला होगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझे ऐसे ही रिजल्ट बताएँ आपके कि आपका भी ऐसा कट ऑफ इतने रेंज से क्लियर हो रहा है आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हो ये जल्द से जल्द सुनना चाहता हूँ मैं तो प्रिपेयर कीजिए मैं सब लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो इतने भी सोर्सेज है और कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐड हो आ, आ सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा और ठीक से प्रिपेयर कीजिए अगर मेरा चैनल आपने फर्स्ट टाइम आपने देखा है तो आप वीडियो स्ट्रैटेजी प्लेलिस्ट ये सब देख सकते हैं मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजी वीडियोज़ ऑलरेडी ले कर आ चुका हूँ मैं तो देट वुड भी हेल्पफुल फॉर यू एंड पहली बार आप आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच अपडेट्स एंड स्ट्रैटेजी एंड कीप प्रिपेरिंग थैंक यू